फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई आबिद अली बेगानी शादी में पाकिस्तानी दीवाना, बात तो सही है। ये आबिद अली हर चीज़ में इंडिया की वाहवाही करके ये वायरल हो गया है और अब वो हर चीज़ में इंडिया से रिलेटेड। एक वीडियो हमने की थी ना, लोग ही वायरल कर रहे हैं, वो तो फर्क क्या पड़ता है। दुख की बात ये है कि इंडियंस ने ही उसको वायरल कर दिया है और उसको पता चल गया है कि क्या बोलने से वायरल होगा, अब वो वही करता है। और इसकी एक हमने वीडियो की थी ना, याद है, जिसमें इसको कुछ पता इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी और सब कुछ गलत मलत। जबकि जब टेंपल की वो इनॉग्रेशन होने के लिए मोदी जी गए थे तो इतना गलत मलत बोल के दिखा रहा था कि पता चल रहा था कोई पता है नहीं बात का, बस वाहवा करने के लिए आए हुए हैं। तो चलो देखते हैं, इनका भैया रोस्ट देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई थी, ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। औकात नहीं है। भारत में दुनिया की महंगी तरीन शादी हो गई। जिक्र बस शादी नहीं हुई है, प्री वेडिंग है। अमीर तरीन शख्सियात की शिरकत। इनको अभी तक यही नहीं पता चला है कि ये प्री वेडिंग है। अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी बड़ी धूमधाम शादी कर दी इन्होंने। तो तेरी माँ मर गई है। अनपढ़ है, अनपढ़ सच्ची में अनपढ़। उनको प्री वेडिंग का मतलब ही नहीं पता। ऐसे जाहिल शादी है, ये भी शादी के पूरी दुनिया की लीडरशिप आ रही है, पूरी दुनिया के बिजनेसमैन आ रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान साहब थे, आमिर खान साहब थे, यकीन कीजिए मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें वेटर की तरह मतलब वो लोग खाना सर्व कर रहे थे। मुकेश अंबानी इंडियन गाड़ी कहीं से मिल जाता, कुछ भला हो जाता। भिखारी हो, मुकेश अंबानी की बीवी है, उनकी पूरी साड़ी पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। इतना पैसा शादी मुकेश अंबानी लगा रहे हैं। सारे के सारे पाकिस्तान के सब लोगों की दो चार बार शादी हो सकती है। तो वही तो करता, दो चार चार बार शादी चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन खास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर कोई चीज चल रही है तो वो है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी या प्री वेडिंग शादी। समारोह लगभग पूरा हो चुका है। पूरी दुनिया की महान हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां, जिनकी एक झलक पाने के लिए आम लोग मरे जा रहे होते हैं, वो सारे वहाँ पर खाना सर्व करते हुए दिखे। भैया पैसा होना तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे कमाल की बात, जो कट्टर मुसलमान है शाहरुख खान, बहुत जय श्री राम बोल रहा है। भैया पैसे में बहुत ताकत होती है, पैसा दीन ईमान भिगवा देता लोगों का। शाहरुख खान को यहाँ आने का पैसा मिला है तो जय श्री राम तो बोलेगा ही। पैसा मिला इन सब को। शाहरुख खान बहुत कट्टर मुसलमान है, जिहादी मुसलमान है। इसके पुराने इंटरव्यू अगर आप जाके देखेंगे तो आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक इंसान है ये। ना तो मैं इसे हीरो के तौर पर पसंद करता हूँ, ना एक इंसान के तौर पर पसंद करता हूँ। बाकी जो पसंद करते हैं वो उनकी अपनी चॉइस है, उस पर मैं कुछ अपना टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन बात चल रही थी मुकेश अंबानी जी के बेटे की, तो इस पे पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मोदी जी के फैन बोले जाते हैं, सो कोल्ड मोदी जी के फैन, उनका भी रिएक्शन आया है। खास तौर से शादी पे भी रिएक्शन आया, मोदी जी पे भी रिएक्शन आया है। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मोदी फैन का क्या कहना है। फिर यहाँ पे नारे लगेंगे, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है आपकी तरह। नहीं, मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे, ठीक है, और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर, तो वो इंडिया करवा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे हैं। तो देखे मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ। अरे चिंता क्यों करते हो, थोड़े दिन बाद जनगण मन जय हिंद भारत माता की जय भी बोलोगे। सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं, उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की कि आप इसे खत्म कीजिए, तो हम आपके साथ डायलॉग और रिलेशन जो है ना दोबारा करना चाहिए। देखिए शुएब भाई, एक सेकंड मुझे ऐसा बोला है, मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को लगता है या हमें ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं उनसे बैठ के। जब उन्होंने आपको ऑफर दे दी है तो आपको चाहिए कि उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाए, उनसे बैठ के टेबल टॉक करें, दोनों मिलके भी दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं। हम तो दहशतगर्दों को ही खत्म कर देते हैं। दहशतगर्दी की देन तो आप हो, जननी तो आप हो। हमारे आर्मी वाले की एक एक गोली पे दहशतगर्दों का नाम लिखा हुआ है, सीधा बेहतर ऊर के पास ही पहुँचा देते हैं। कमी है तो आप लोगों में, हम में नहीं है। बड़ी जबरदस्त आपने बात,
यार ये देखें, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की तरफ से जो जो भी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जो नेबर कंट्री को इशू रहता है खासतौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, तो पाकिस्तान उसके ऊपर कंट्रोल करे, मतलब ये तो हमारी जिम्मेदारी। और लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं है, ये कहा जाए कि भाई सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो भाई फिर साबित कर दें कि भाई हमारी तरफ से ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, अब ये बातें चल रही हैं यहाँ पे इंटरनेशनल, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की, आलम इस्लाम की, और ये इनकी हरकतें देखो इन पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी पीछे कैमरे में आया और ये चाय पी रहा है, अभी ऊपर। तो ये मुल्क के नौजवान है जो एक कचरे को डस्टबिन में नहीं डाल सकता, रोड में फेंक दिया। और अभी इसकी बातें सुनना, टेररिस्ट डिक्लेयर है वो अगर पाकिस्तान से मिलेंगे या पाकिस्तान में होंगे, और फिर हम ये कहेंगे नहीं भाई पाकिस्तान का तो इन चीजों से कोई तल्लुक नहीं है, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। बड़ी बात ये है, दो कंट्रीज में रिलेशन अगर बेहतर होते हैं इस टाइम पे, ये वही बात है, इंडिया को फायदा या पाकिस्तान को फायदा है? सर ऑब्वियसली पाकिस्तान को फायदा है, वो तो दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत आज हमें है, अगर ट्रेड इंडिया से हमारी ओपन होती है तो हमें बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडिया की तरफ से। देखिए ना कि आज इंडिया में एक बिजनेसमैन, एक अमीर आदमी के घर में शादी का फंक्शन है या एंगेजमेंट का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बिल गेट्स ने क्या, बिल गेट्स भी उसमें आए, उसमें बहुत बहुत बड़े सीईओज आए, बहुत बहुत बड़ी कंपनियों के सीईओज आए, और उसके अलावा दुनिया के वो नाम आए जिनका हमें नाम पता नहीं है। इससे पहले अंबानी फैमिली की मैंने एक शादी देखी थी जिसमें शाहरुख खान साहब थे, आमिर खान साहब थे, यकीन कीजिए मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें वेटर की तरह मतलब वो लोग खाना सर्व कर रहे थे। तो अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ना, वो उनका कल्चरल है वहाँ पे, जो वो शाहरुख खान आए थे वो वेटरिंग के लिए नहीं आए थे। ये देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए जो हमने देखा है, हम तो उस चीज की बात कर रहे हैं, शाहरुख खान वेटर था, सोचेंगे कि इतने अमीर आदमी वायरल करना चाहते हैं अपने आप को, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, ये खाना सर्व कर रहे थे। सर मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने अपनी आंखों नहीं आपने ये देखा, लेकिन उन्होंने जो बात की बड़ी जबरदस्त बात की कि भाई उनका कल्चर है या बड़ापन कह लेंगे, यार उनकी रवायत ये है कि कोई मेहमान आते हैं तो वो ये नहीं देखते वेटर है, वो इसे एक अच्छी अच्छा गेस्टर समझते हैं। भाई जान अबूधाबी में एक मंदिर बना, पाकिस्तान में ये कहा गया कि भाई देखिए अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा है, इतनी बारिश हो रही है अबूधाबी में, ये आप क्या समझते हैं कि अगर एक इस्लामिक कंट्री में दूसरे मजहब के लोगों को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है मास बाय इसराइल, हर जगह पे पाकिस्तानी पासपोर्ट अलाउ मतलब जा सकते हैं, अलाउ है, ठीक है ना, क्या बोला? सऊदीया ने इसराइल को मतलब के एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। इस पे हम भी कहते हैं भाई अल्लाह का घर है, वहाँ पे ये चीज नहीं होनी, उनका आपस का फिनांस है, अपने आपस लेन देन है। मैं कहता हूँ इसराइल को उन्होंने कबूल किया, हम मैं अपने जाती तौर पे एज अ मुस्लिम मैं इस चीज को एप्रिशिएट नहीं करता। भाई तू ना कर, इजराइल को तेरे करने से या ना करने से घंटा फर्क पड़ता है, तुम्हारे तो पूरे मुल्क ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया है, तो इजराइल के कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तुम डूब रहे इजराइल को, तो हमास के आतंकवादियों को उल्टा लेटा दिया है, कल ही दो सुरंगों में विस्फोट किया, तो कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ इजराइल उजराइल से कुछ लिया भी तो था, मदद वदद या क्या तस्लीम किया कि नहीं किया? जाइलो भाई जान आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो हमारे रिलेशन है नेबर के साथ, उस हवाले से आबिद भाई इन्होंने जो बात की है वो तो सही हो गया, तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वैसे, चाहे हम पूरी दुनिया में जो भी, चाइना को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाइना को कैसे कर लेना चाहिए, चाइना तो हमारा यार बना हुआ है ना, ठीक है, जगह जगह पे चाइना के बैनर नजर आते हैं, ऐसे हाथ में हाथ नजर आते हैं, दोस्ती नजर आती है चाइना के साथ। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितना जुल्म मुसलमानों से चाइना में हो रहा है ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं, आप इस बात से एग्री करते हैं? जी जी बिल्कुल करता हूं। चाइना में तो उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? देखिए अगर आपने बोला ना ऐसे मुस्लिम, तो चाइना के हवाले से क्या? चाइना का मैं बताता हूँ, चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अच्छा तो चाहे फिर वो मुस्लिमों को काट दे, फिर हम नहीं बात? देखिए दो चीजें होती है, सबसे पहली बात यह है कि भाई वो इस तरह के मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमान मतलब गैर मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमानों का बुरा नहीं किया, चाइना वालों ने, चाइना ने, इसराइल ने, हमारे हमारे कुछ भाइयों के जिस तरह खून हम देख रहे हैं, मतलब गजा में जो हो रहा है, फिलिस्तीन में जो हो रहा है, हमें पता है हम किस तरह लोग। अच्छा आप ये कह रहे हैं चाइना में आज तक कुछ बुरा नहीं हुआ, भाई मुसलमानों के साथ क्या कहना है? इसके ऊपर एक बात आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है। देखिए इंडिया में राम मंदिर बना है, बहुत बड़ा इत्तेजाज हुआ, बहुत बातें हुई, चाइना की बात होगी इंडिया ले आया, सोशल मीडिया हर बंदा उसके ऊपर बोला कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया, ठीक है। मैं आपको चाइना में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस दस मस्जिदें दिखा सकता हूँ जो शहीद कर दी गई है, मलियामेट जमीन पे कर दिया गया, मुसलमानों को चुन चुन के जुल्म किया जाता है उधर, ठीक है।
लेकिन पता क्या है, वो हमारा यार है, हमारा दोस्त है, हमारी सुई भी उधर से आती है, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज उधर से आती है। यार दोस्त नहीं है, खरीद लिया अब्बू है। सर हम कब खुद मुख्तियार बनेंगे, कब हम ऐसे खड़े होंगे, कब हमारे पलेंगे हम लोग? हम किसी भी मुश्किल में आते हैं तो चाइना हमें निकालता। देखिए सर, चाइना बिजनेसमैन है ना, एक जो है ना प्रोपेगेंडा माइंड होता है, भाई ये काम करना है, वो काम करना चाहिए। इसमें नौ के आप कहते हैं जी चाइना हमारे लिए बुरा है, मैं बात अपनी कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मैं मानता हूँ जगह जगह पे जो झंडे लगे हैं और उनके हाथों में हाथ हमने डाले हुए हैं, भाई उन लोगों ने आपको वहाँ पे सपोर्ट किया जहाँ पे आप ग्रे लिस्ट में चले गए थे, आप ब्लैक लिस्ट हो रहे थे, आपने उनसे कर्जे लेके अपने चाहे वो मोटर वे चाहे जो भी चीज आपने फ्री में कर दिया, मतलब की इस टाइम IMF से कर्जा लेते हैं, उसकी किस्तें उतारते हैं, कोई आसान नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि हम उसे दे रहे हैं। इसी तरह चाइना हमें अगर कर्जा देता है ना, तो हम उसका कर्जा उतार रहे हैं, हम उसके आगे बिके नहीं हुए। तुम बिक रहे हो उसके अंदर। के बिजनेसमैनों में से एक अमीर नाम है बिल गेट्स साहब का नाम। अब आप उनकी आजिज़ी चेक कीजिए कि वो एक आम से ठेले पे जाके चाय, हाँ। चाय पीते हैं और वो चाय वाला बेचारा वायरल हो जाता है, बड़े लेवल पे चला जाता है। तू भी तो वायरल हुआ है भाई, मोदी जी का करके नहीं तो यू आर नथिंग, तुम भी तो एक दुकानदार थे। अब ये देखे ना बिल गेट्स, उन्हें तो चाहिए था कि बड़े इंग्लिश रेस्टोरेंट में जाके चाय पीते, लेकिन उनकी आजिज़ी ये देखिए, और फिर ये देखे कि इंडिया की क्वालिटी देखे। हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक खत लिखा था बिल गेट्स साहब को, अब मैं उसकी तफसील नहीं बताऊंगा, मेरे ख्याल से उसका जवाब भी नहीं आया हमें। आज बिल गेट्स साहब जो है, बिल गेट्स साहब इंडिया में मौजूद है और कितने दिनों से मौजूद है, और देखे इतने बड़े कल्चर को प्रॉपर प्रमोट कर रहे हैं, साड़ी प्रमोट कर रहे हैं, फॉरनर आई है वो साड़ी पहन रहे हैं, बिल गेट्स कभी उनकी कढ़ाई की तारीफ कर रहे हैं, कभी उनकी चाय की तारीफ कर रहे हैं, कभी वर्ल्ड कप खेलने के तो ये बिरयानी की तारीफ कर करके बिरयानी खा के वर्ल्ड कप हार के घर आ गए हैं। ठीक है यार, ये तो टैलेंट की बात होती है ना, आपके मुल्क में है आप उसी को अप्रिशिएट करते हो। दूसरा बंदा मैं आता हूँ भाई, मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे मशहूर क्या है जी, हमारे पास जो है हम तो खाने के जहाँ पे जाते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं ना, तो हमने कभी UAE में भाई UAE में इंडियन ब्रांड नहीं है, इंडियन से हटकर भाई वहाँ पे चाइना के बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, लोगों ने वहाँ पे बड़ा हैवी वाला सिस्टम लगाया हुआ अपना, एक एक चीज छोटी छोटी चीज नहीं। चाइना तो इनका मुंह बोला बाप है भैया, चाइना की तरफदारी करना तो बनता ही है, बंदा तो पूरा प्रो चाइना, चाइना ने मुसलमानों के साथ क्या कर रखा उसमें आंखें मूंदे बैठा हुआ है बंदा, कुछ भी करे चाइना हमारा दोस्त है बस, चाइना ने क्या बोलूंगा, फैमिली शो है। अच्छा ये हमारी टीम ना भी कुछ दिन हुए दुबई से तशरीफ लेके आए, ये दुबई गए हुए थे, तो ये अभी दुबई से कुछ दिन हुए ये आए, उधर पूरे इन्होंने प्रोग्राम किए, एक राम मंदिर की ओपनिंग हुई, यही तो गया था खुद ही जिसने माइक पकड़ा हुआ है। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में हमारी कोशिश है पीस और अमन का मैसेज देना। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, आज उन्होंने पाकिस्तान को भी साथ लिया, तो हमारी क्वालिटी भी तो इधर होनी चाहिए ना, कि हमें भी उन्हें अच्छा मैसेज भेजना, शुक्रिया का मैसेज भेजना। बड़ा मजा आया बात कर। तो भैया पूरा डिस्कशन सुनने के बाद मैं यही बोलना चाहूंगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने जो इनको बधाइयां दी है, जो सो कॉल्ड इनकी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के नाम पे कलंक है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। सुबह तक कोई और जीत रहा था, शाम होते होते कोई और जीत गया, बेटियां बदल ली गई इलेक्शन के नाम पे, फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है, और सबको पता है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पहले से तय होता है, सिलेक्टेड होता है। तो हमारे मोदी जी ने एक अच्छे पड़ोसी होने का हक अदा किया है। तुम मोदी जी ने उंगली पकड़ी तो तुम हाथ मत पकड़ो, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क था है, और अगर अभी भी नहीं सुधरा तो आगे भी रहेगा। खैर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन आप ही का, आप भी इन पाकिस्तानियों को अच्छा सा रिप्लाई देते हुए जरूर जाइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बंदे जो है ना दोनों, ये इंडिया में वायरल होने के चक्कर में ना पैसे कमाने में कुछ भी बोलते रहेंगे, और किसी दिन इनके साथ ऐसा कुछ हो जाना है पाकिस्तान में। देखिए वो तो नया बंदा था, आबिद अली तो पुराना आदमी है, मतलब आबिद अली का एक ही है मकसद कि कुछ भी बोलकर वायरल हो जाए, अनलाइकली है। पर उसको पर उससे उसको ये फायदा हो गया कि बहुत लोग अब इसकी इंटरव्यू लेते हैं, इसको बुलाते हैं, उसका ये बिजनेस अब चालू हो गया है।
और वो जो दूसरा बंदा था उसकी तो कल पहली दिख रही थी, जिसने चाय पी के वहीं फेंका और उसके बाद आया, बीच में वो चला भी गया, कोई पता नहीं इन्हीं का मिलावा हो, जिसको बोला हो कि तू अगेंस्ट बोल देना यहाँ पे आबिद दली है, पर इनका कोई मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। पर जिस तरह से बात की बिल्कुल ठीक है कि भैया इंडिया नहीं, बात चाइना से बार बार इंडिया पे खींची लाते, देखा है टॉपिक अगर तुमको चाइना के मुसलमानों के बारे में बात करना है कि जुल्म, उसके बाद फिर इंडिया आ जाता था, वो हर बात को टर्न करके ट्विस्ट करके वो इंडिया के पास घुसड़ता ही जाता था, फोकस था ही नहीं चाइना के साथ, और वो मानना ही को तैयार ही नहीं है कि चाइना कितना जुल्म कर रहा है मुस्लिम्स के साथ, क्यों, क्योंकि वो भैया हमारे को हमारी मदद करता है, क्योंकि वो पैसा देता है, इनको कोई भी पैसा देगा उस टाइम इनको मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म नहीं दिखते। हाँ, जहाँ इंडिया में मुस्लिम्स के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा, आराम से सब रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, वहां इनको जुल्म पे जुल्म दिखते रहते हैं, और जहाँ पे एक्चुअली में हो रहा है वो उनको उन्होंने आंख बंद पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसा जो मिल रहा है इनको वहां से, हद ही हो गई, ये है पाकिस्तान। अजीब सी बात है, मतलब आबिद अली जो ये बोल रहा है उसमें से कौन से उसने नई बात की है जो लोगों को पता ना हो, क्या पता वो सिर्फ अपना पाकिस्तान का वर्जन दिखा रहा है, इग्नोरेंट की किस हिसाब से होता है उनका सोच, दैट्स ऑल। बिल्कुल, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।